गांधी जी सबसे पहले लेके आए भारत जोड़ो यात्रा। अरे रुक जाओ, भारत जोड़ो यात्रा, उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने। भारत महंगाई से टूटा है, भारत बेरोजगारी से टूटा है, भारत हिंदू मुसलमान से टूटा है। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई मई कलर पैदा नहीं हुआ। अहंकार से तीन गए बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस। राहुल गांधी जी कहते अपने आप को युवा नेता, 54 साल का युवा नेता। अभी 4 दिन पहले जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसके खुद की डिग्री का पता नहीं, वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा था। 500 रुपए भी मैं इनको दूंगा अभी यही मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से करो। राहुल गांधी की बता दे जात क्या है। जाति पे आ गए, ये हिंदू मुसलमान पे राजनीति करेंगे, जाति पे करेंगे, धर्म पे करेंगे, मजहब पे करेंगे, पाकिस्तान पे करेंगे, राम पे करेंगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। क्या बात करेंगे आप। इन्होंने इन्होंने फिरोज का पूरा नाम बताओ। बजट पे बात करिए, बजट पे बात करिए, बजट पे बात करिए। बजट क्या जनता के हित के लिए है कि नहीं, ये बताइए। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी सांस लेने पर भी जीएसटी लगा दें। बिल्कुल भाई, बोलने पर भी जीएसटी लगा दें, फिर भी आएंगे तो मोदी। भाई साहब जैसे ने कहा कि आएंगे तो मोदी, जीएसटी ले लीजिए हमारे सांस पर, हमारे पैदल चलने पर, सांस लेने पर आप जीएसटी लगा दीजिए। पत्रकार महोदय, हर चीज पे टैक्स लगा। आप सवेरे उठते हैं, मंजन करते हैं, उस पे टैक्स, नहाया पानी पे टैक्स, साबुन मला साबुन पे भी टैक्स, मतलब हर चीज पे, दूध दही रबड़ी मक्खन, हर चीज पे टैक्स लगा देने का अगर किसी ने काम किया है। 9 साल में लग गए। बिल्कुल। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक भाई साहब सुन ले, अरे रुक जाओ, एक भाई साहब की बात मुझे याद आ गई इनकी। इन्होंने बोला कि गैस बहुत महंगा हो गया है, गैस बहुत महंगी हो गई है। इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में 450 का सिलेंडर मिलता था, घर का एक व्यक्ति सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहता था 500 की दिहाड़ी छोड़ के, वो आपको नहीं दिख रहा है 500 उसका लॉस होता है, 450 का सिलेंडर मिल रहा है। अगर 450 रुपए में जब था ना, तब भी स्मृति ईरानी जी उसको सर पे रख के घूमा करती थी। आज 1100 रुपए पार हो गया है, तब भी स्मृति ईरानी जी लापता है। आप स्मृति ईरानी की गुमशुदा की तलाश ढूंढने वाले को 500 रुपए इनाम। 500 रुपए इनाम। बिल्कुल भाई, मुझे स्मृति ईरानी को जो ढूंढेगा। बिल्कुल, आप बताइए की कहाँ गई, सिलेंडर ढूंढ के लाए। गूगल पे सर्च कर, इसीलिए कहते हैं पीएम के गूगल पे। हाँ, 500 रुपया दे, गूगल पे सर्च कर ले, गूगल पर सर्च करिए स्मृति ईरानी को, सिर्फ गूगल पे। केंद्र बताऊंगा, सुनिए, स्मृति ईरानी को अगर आपको ढूंढना है गूगल पे ढूंढिए, यूट्यूब पर ढूंढिए, चैनल पर ढूंढिए। आप सुनिए भाई, बता रहे ना, 14 के बाद में वही सिलेंडर वाली फोटो चाहिए ऐसे, और स्मृति ईरानी जी धरने पे बैठे रहे 500 रुपए का इनाम, गुमशुदा की तलाश। अरे यार पहले सुन तो लो भाई, मेरा बात बस 2014 में दूरी। अब इनको इनको ये कह रहे हैं कि 1100 सिलेंडर हो गए, 1000, ठीक है। उस समय भी भाई को नॉलेज नहीं है शायद, ये जो जोश में आके होश खो बैठते हैं, इनकी बातों से यही लग रहा है साहब साहब। मुद्दे पे अगर ये बात नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ गांव की कहावत है ये वो। अरे कहावत पे तुम बात करने आए हो, क्या बात कर रहे हो तुम, मोदी जी करते। और सुन लो, पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई मई कलर पैदा नहीं हुआ। आपको जगा रहे हैं ये। मैं तीन तो लाइन बताऊंगा कि अहंकार से तीन गए बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस, तो अहंकार से सब डूब जाता है भैया, अहंकार से सब डूब जाता है। इतना अहंकार से नहीं डूबता है तुम्हारे। मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। अभी एक आपको, आप अभी सुन ले, राहुल गांधी जी इन्हीं के नेता, सुन लीजिए, बहुत सही बात आपने याद दिलाई। राहुल गांधी जी सबसे पहले लेके आए भारत जोड़ो यात्रा। अरे रुक जाओ, भारत जोड़ो यात्रा, उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने, वो लेके आए भारत जोड़ो यात्रा। और सुन लीजिए, अब लाए न्याय यात्रा, 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल लेंगे, कांग्रेस को ढूंढेंगे कहीं कहां। ठीक है, मैं भारत जोड़ो यात्रा पे टिप्पणी करूंगा, क्योंकि भारत महंगाई से टूटा है, भारत बेरोजगारी से टूटा है, भारत हिंदू मुसलमान से टूटा है। युवाओं की कमर रोजगार के मामले पे तोड़ दी, किसानों की कमर आय दुगनी करने के नाम पे, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत नहीं है भाई, आप बोल लीजिए, आप बोल लिए ना, आपको मौका मिल गया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानों खोल रहे हैं। अब न्याय यात्रा की इन्होंने बात की, न्याय आप बताइए कि न्याय आज के समय पे कोर्ट कचहरी में
पचासों साल मुकदमा चलता है, अदालत तो बेवकतन देखती है और खुलेगी कहाँ से बटन देखती है। आप बताइए न्याय दिलाने की, अगर एक मिनट भाई, अगर न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इन्होंने कहा कि कांग्रेस ढूंढो यात्रा चलेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 24 के बाद में भाजपा ढूंढो नहीं, गूगल पे भी सर्च करो यात्रा चलेगी, गूगल पे भी भाजपा मिलने वाली, गूगल पे मिलेगी। अभी सुनिए, राहुल गांधी जी ने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ठान ली है, जानते हैं क्या? कि कांग्रेस को खत्म करना है, वो उन्होंने काम बहुत अच्छा करने की सोच लिया है और वो कांग्रेस को खत्म करके ही छोड़ेंगे 2024 के बाद। कांग्रेस ढूंढने के भैया गजब है, गजब है। राहुल गांधी जी कहते हैं अपने आप को युवा नेता, 54 साल का युवा नेता। अरे भाई साहब, अरे आप सही टाइम पे शादी कर लेते तो आपके बच्चे होते उतने बड़े बड़े। पढ़ा लिखा नहीं है, अभी 4 दिन पहले जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके खुद की डिग्री का पता नहीं, वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा था। अरे खुद पढ़ा लिखा नहीं, अरे हम कहते हैं मोदी सुन लो सुन लो सुन लो, अरे सुन लो यार, तुमने क्षमता सुनो भाई, जबरदस्ती रखो, तुमने क्षमता रखो, बनाएंगे आप क्षमता रखो, अरे क्षमता रखो। मोदी जी कहते हैं एक भी क्लास नहीं पास किए, नहीं पढ़े देश। लेकिन भाई साहब एक समय रहता था कि जो है क्या नाम है आपका, हर कंट्री कहती थी, सुन लीजिए, भारत कहता था कि आज मैं चीन के साथ हूँ, आज मैं जो है अमेरिका के साथ हूँ। आज क्या स्थिति है पता है आपको? हर कंट्री कहती है आज मैं भारत के साथ हूँ। तो हमें बहुत गर्व है कि ऐसा नेता मिला हमें जो हर कंट्री कहती गर्व से कहते हम हिंदू है और हिंदू राष्ट्र। पहली बार ऐसा भारत हुआ है, बिल्कुल पहली बार ध्यान में हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, 14 के बाद, बिल्कुल पहले 14 के बाद, सुन लीजिए, 14 पहले मनमोहन सिंह जाते थे बाहर कोने में खड़े रहते थे, उनको मिलवाया जाता था, भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री भैया ये क्या है, ये कौन सी भक्ति है? सुन लीजिए और क्या ये, अब इनको जवाब ले लेने दीजिए, अरे जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले क्षमता रखिए, इंजन गर्म हो गया, अब सुनने क्षमता रखिए। अब क्या है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस कंट्री में भी जाते हैं ना, लैंड वहीं से स्टार्ट होती है, भाई सब क्या बात करेंगे, ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था है। भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को इंदिरा गांधी जी ने घंटों इंतजार करवाया था, ये भूल रहे हैं। इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को, एक मिनट भाई, एक मिनट, इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को घंटों इंतजार करवाया था, आप भूल रहे हैं। अब इनको भी शायद पढ़ने की जरूरत है, अभी ज्ञान बांट चुके हैं, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञान बांट चुके हैं, 500 रुपए भी मैं इनको दूंगा अभी यही मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से, करो राहुल गांधी की बता दे जात क्या है, खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं, ये नहीं बता पाएंगे मैं बता दूंगा। यार बात अगर यहाँ पर बजट पे हो रहा है, जाति पे आ गए, ये हिंदू मुसलमान पे राजनीति करेंगे, जाति पे करेंगे, धर्म पे करेंगे, मजहब पे करेंगे, पाकिस्तान पे करेंगे, राम पे करेंगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, ठीक है? अरे हिम्मत ही नहीं है, बात हिम्मत। रामचंद्र कहेगा सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बनके घूम रहा है फिरोज खान का पोता, क्या बात करेंगे आप? इन्होंने इन्होंने फिरोज का पूरा नाम बताओ, अरे गए गए जाएंगे भाई, 24 में से मोदी जी भी जाएंगे। आप एक चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो अभी रामचरितमानस की चौपाई की, रामचंद्र कह गए ऐसे ऐसा कलयुग आएगा, रामचरितमानस को मैंने पढ़ा है, दादाजी ने भी पढ़ा होगा, रामचरितमानस में ऐसी चौपाई कहीं लिखी ही नहीं हुई है। और भगवान राम का अपमान करने वाले को भगवान राम जरूर सजा देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।